तो दोस्तों हम लोग आए हैं फेरियर हॉल में यहाँ पर, और आपको दिखाने खास तौर पे आए हैं सादिक एंड गैली, जो बैन अलावामी मारूफ कैलीग्राफी में बड़ा नाम जिनका है और पेंटिंग्स वगैरह में सबसे ज्यादा बड़ा नाम उनका है। यहाँ पर देखेंगे हम उनको और उनकी पेंटिंग्स को यहाँ पर देखेंगे, चेक इट आउट करेंगे। तो फिर लेट्स गो। तो जी जनाब, आज हम लोग खड़े हुए हैं और आए हुए हैं फेरियर हॉल में। इसकी तारीख के मुताबिक भी हम पूछेंगे और ये जो पोर्शंस बने हैं वो भी पूछेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आप बताएं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर ये दिनेश नाम है मेरा, ये सादिकीन आर्ट गैलरी है पूरी जी। यहाँ सी एस एस की क्लास लगती है। सी एस एस की क्लास फ्री कास्ट है या दो क्लासे लगती है? फ्री कास्ट है यहाँ पे, दो क्लासे। जी हाँ बिल्कुल, सिविल सर्विसेज की यहाँ क्लास है। सिविल सर्विसेज की। आइए, फरियाल साहब के नाम से ये बिल्डिंग बनी है, ये पूरी तारीख पूरी हिस्ट्री इस पे लिखी हुई है इस बिल्डिंग। तो वैसे आप इसका ये बताएं हमें कि ये जो तारीख है, असल तारीख यहाँ पर जो है 1865 लिखी है, ब्रिटिश दौर में। ब्रिटिश दौर में ये 1863 में शुरू हुई थी, 65 में ये खत्म हो गई थी। जी हाँ, दो साल में ये कंप्लीट की है ये बिल्डिंग। तो ये सारा वही फर्नीचर है अभी तक जो? हाँ सर, ये 18 के जमाने का सब कुछ लगा हुआ है। और वैसे जो है इसका असल जो है ऑनर कौन है अभी? सर अभी तो ये सिटी गवर्नमेंट के पास, सिटी डिस्ट्रिक्ट के पास। अच्छा, और आप और भी हमें दिखा? जी सर आइए, मैं आपको बताऊं। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं और देखने के लिए क्वेश्चंस। सादिकीन साहब की गैलरी बनाई थी 1919 में। ये सादिकीन आर्ट गैलरी है, ये सादिकीन साहब की तस्वीर है। ये सादिकीन साहब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? मुझे याद तो है लेकिन मैं थोड़ा सा भूल गया। तो ये बहुत मशहूर शायद वो आर्ट के हैं। बिल्कुल, तो इनका सिर्फ मैं ये जानता हूँ ये 18 के जमाने में यहाँ आए थे। ये इन्होंने 18 में बनाया है, 40 हफ्ते लग गए इनको ये बनाने। 40 हफ्ते ये पूरी छत इन्होंने बनाई है। 87 में उनकी डेथ हो गई थी तो ये हाफ रह गया। अब आप ये रिकॉर्ड कीजिए। ये कुरान कलमे लिखे हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो वैसे से भी उनके आर्ट है या उसके अलावा भी होते हैं? अब 30 मई को यहाँ एग्जीबिशन थी जिनकी वजह से ये सारी तस्वीरें एग्जीबिशन की तस्वीरें मुख्तलिफ पाकिस्तान से बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया, उसमें से कुछ 5 तस्वीरों को इनाम मिला है, फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट सेकेंड, थर्ड। सादिकीन अवार्ड के नाम से हर 5-10 साल में यहाँ इनका अवार्ड होता है सादिकीन अवार्ड के नाम से। 30 मई को जो ये खत्म हो चुका है तब यहाँ एग्जीबिशन। तो वैसे अगर कोई चाहे परचेज करना इन पेंटिंग्स को तो नहीं? परचेज भी हो रही है। परचेज भी हो रही है। तो जो बनाने वाला होता है असल में तो उसको प्रॉफिट होता है इस चीज का? बिल्कुल सर, उनकी उनकी चीज है, ये पैसे या ये कॉस्ट उनको जाती है। अच्छा, वो यहाँ पर रख देते हैं अपनी पेंटिंग और उनको जब कोई ऑर्डर आता है तो बन जाती है? ये एग्जीबिशन के हमारे पास कुछ दिनों के लिए ये है यहाँ पर, 10-15 दिन, उसके बाद ये हट जाए फिर वो जाने उनकी परचेजिंग। तो और आगे भी तो दिखाए ना आप यहाँ पर, ये मैं देख सकता हूँ ये मोहतरमा और यहाँ सारी कैलीग्राफी, ये भी सारी तस्वीरें कंपटीशन में लगी हुई थी जिनमें से 5 तस्वीरों को इनाम मिला है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा, वैसे ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इतना खूबसूरत सा सजा हुआ होगा। जी सर, मैं खुद भी पहली बार आया हूँ ना यहाँ पर, तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, बहुत खूबसूरत सा बनाया। आपने कहा 40 हफ्ते लगे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। आइए मैं आपको कैलीग्राफी में से इन 5 तस्वीरों को इनाम मिला है। इन 5 तस्वीरों को इनाम मिला? जी हाँ बिल्कुल। ये ऐसे लग रहा है कहीं से प्रिंट करके लाए या कहीं से छपवा के लाए, ये बिल्कुल हाथों से बनाई गई है। बिल्कुल, इसको इसीलिए फर्स्ट प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज मिला इसको, जो है लिखा भी है, देख सकते हैं। जी हाँ, तो इसमें प्राइज में होता क्या है? ये यहाँ पर होता है
सर ये इनके जैसे कि आप किसी तस्वीर को परचेज करना चाहें तो हम उनका फोन नंबर आपको दे दें, फोन नंबर आपको बस ये जाने फिर आप परचेज। बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है और यहाँ वैसे आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल मैं अवेलेबल होता हूँ, यहाँ विजिट कराता हूँ। अच्छा तो और भी दिखाए आप, ये खूबसूरत से देखें आप सजा हुआ यहाँ पर, ये रूफ का एरिया है पीछे। बिल्कुल सर यहाँ अलाव चल रहा है अभी, अच्छा कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा जो है ना गैलरी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है हमारे पास, बहुत खूबसूरत से सजाया हुआ है, सब पेंटिंग्स रखे गए हैं अपनी। और आपको परचेज करनी है तो आप उनके फोन नंबर पर आप तो कर सकते हैं। बिल्कुल। वैसे यहाँ पर आप ड्रामो वगैरह की शूटिंग वगैरह देखते हैं होती है यहाँ पर सर? जैसे हमने तो देखा थोड़ा सा जैसे लेके जाते हैं वैसे यूट्यूबर्स आते हैं यहाँ पर, कुछ और लोग आते हैं? हाँ सर वो नीचे लॉन्स में टिकटॉकर्स लोग आते हैं और अपनी वीडियो बनाते हैं। नीचे जो है लाइब्रेरी है? जी हाँ सर नीचे लियाकत लाइब्रेरी है। लियाकत लाइब्रेरी। और वो कितनी पुरानी है सर? वो भी इसी जमाने की, इसी जमाने की है। अच्छा तो फिर नीचे चलते हैं हम लोग। जी इतनी खूबसूरत होगी जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ऊपर भी देखें पूरा जो सजा है, सादिकैन जो थे उन्होंने तो पूरी पेंटिंग की थी, 40 हफ्ते इसमें लगे थे और क्या खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई है। यानी दुनिया में जैसे हम लोग देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में जैसे बनी होती है उससे भी ज़्यादा आप बेहतरीन सोच सकते हैं। ये बनी हुई पुरानी आयात लिखी हुई है और उनको ऐसे नक्श किया हुआ है, ये जो है आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे पेंटिंग है लोग अपनी पेंटिंग रख के चले जाते हैं और यहाँ पर आप उनको देखते हैं आकर विजिट करते हैं खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग की। जैसे ये देखें इसमें एक अंकल बनाए हुए हैं, अफगानी अंकल लग रहे हैं जैसे, और जो है ना बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह। तो आप हमें क्या बता रहे थे भाई आगे? सर मैं आपको ये सामने वाली 5 तस्वीरें बता रहा हूँ जिनको फर्स्ट प्राइज मिला। जिनको फर्स्ट प्राइज मिला कुछ वो थी ये है कैलीग्राफी में वो तो ये देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल असली पिक्चर है जैसे कैमरे से ली हुई आपने है, तो इनको फर्स्ट प्राइज मिला था आप कह रहे हैं। और ये कब की बात है? अभी की बात है 30 मई को, 30 मई को हुआ था 7 की 9। बहुत ही खूबसूरत से देखें कलर्स का कैसे इस्तेमाल किया हुआ है जो इन्होंने बनाया हुआ है और जो खूबसूरती से इन्होंने इस पर नक्श निगारी की हुई है देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर। ये जो ये है ये लकड़ी का यहाँ ये क्या है असल में? यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक सिंह वाली खोपड़ी बनाई हुई है, लेकिन जो उन्होंने बनाई है बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। अभी वो भाई जरा वहाँ खड़े हुए हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर और आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे हॉर्स है यहाँ पर, हॉर्स को जैसे बनाया है कट्स चेक कर सकते हैं हम, इसके ड्राइंग बहुत जो है खूबसूरत तरीके से बनाई हुई है। और मैं सोच रहा हूँ मैं मुझे लग रहा है कि मैं कहीं और ही आ गया हूँ यहाँ पर, तो लग ही नहीं रहा कि हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं करियर हॉल में। अभी भी लाइब्रेरी में भी जाएंगे, बहुत खूबसूरत से बनाया हुआ है। जैसे यहाँ साइकिल लेके एक बच्चा जा रहा है, सारी जो ड्राइंग है ना अपने अपने मुताबिक लोग बनाते हैं यहाँ पर रखते हैं और लोगों को पसंद आती हैं तो वो ले जाते हैं। और जैसे कि आप मुल्तान का देख सकते हैं यहाँ पर, ये मुल्तान का है और जो है इसमें दिखा रहे हैं कि जैसे सूफी जो अपना रक्स का जो तरीका होता है वो कर रहे हैं, इसमें परिंदे उड़ रहे हैं, हवाएँ चलनी हैं और ऐसी चीज़ें इसमें यहाँ पर ड्राइंग्स में बनी हुई हैं, पेंटिंग में बनी हुई हैं। और अभी आगे भी देखते हैं हम लोग और क्या क्या। यहाँ एडिन के ज़माने में यहाँ फ्लोर डांस हुआ करता है। एडिन यानी जो किंग थे बर्तानिया के, वो बर्तानिया के टाइम पर ऊपर मुख्तसर फैन बैठती थी और नीचे फ्लोर ड्रामा आर्टिस्ट या नीचे ये प्रोग्राम थे एडिन के ज़माने। यानी ये जो होती थी उन लोग के तफरी का होती थी हॉल बना हुआ। तो वैसे यहाँ पर आए हैं बर्तानिया के बाद सर? बिल्कुल उस टाइम गवर्नमेंट रह चुके थे बॉम्बे था उस जमाने में, बॉम्बे के गवर्नर थे वो रियाल साहब जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। वैसे इसका कंस्ट्रक्शन का काम आप कह रहे थे जारी है अभी? जी हाँ वो कंस्ट्रक्शन अभी यूएस गवर्नमेंट इसको रेनोवेट करवा, यूएस गवर्नमेंट करा रही है। अच्छा तो ये उनके ही हाथों में है जी। और हम आपको शुक्रिया कहना चाहेंगे एक बार से दोबारा कि आपने हमें साथ दिया और हमें दिखाई आपने पूरी ये जगह।
तो आपका थैंक यू। थैंक यू सर। और इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि आपके पास आएँ और भी चीज़ें पूछें, खासतौर पर एग्जीबिशन जब हो तब आएँ इंशाल्लाह। तो फिर आप जी 14 अगस्त पे होगा यहाँ पर। ठीक, तो क्या मैसेज देने जाएंगे इसके हवाले से हमारे व्यूअर्स को? सर बस आपको बहुत बहुत अच्छा लगा ये गैलरी दिखा के, और लोग देखेंगे अच्छा लगेगा और मजीद साकिन जैसे लोग पैदा होंगे पाकिस्तान में, तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि साकिन जैसे साहब पाकिस्तान को मिले। जी जनाब, तो हमने आपको एक खूबसूरत सी प्यारी सी आर्ट गैलरी दिखाई जो सादिक कैन की है, सादिक कैन साहब की, और उनका जो है यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत वो है कि उन्होंने यहाँ पर आर्ट गैलरी बनाई और यहाँ पर इस जगह को मुख्तसर किया आर्ट गैलरी के लिए। और इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।